not obeying the government. बाद में आप बोलिए, after that you will tell me. Yes. Silent. I see, sir, when he देखे वो खड़े हैं, उनको बैठने के बाद इंटरन कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते हैं. बैठ जाइए. I only have one request. You sit down. I have asked 12 questions. At the right time, I am willing to listen till 11 o'clock in the night to the answers. Yes, sir. One, two, jumla. I have not done any politics. I have asked 12 questions. Answer my 12 questions. Dhanyavaad. Answer Mr. Chidambaram's 12 questions. That's 24 questions. Lot of homework to be done. Dhanyavaad. Answer karo. Yes, aap boliye. का जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक स्पेसिफिक इश्यू जिसमें लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, मैंने कहा वो जरूर बता दो. ये एक विषय इन्होंने उठाया कि कोई 8 ट्रेनें बंद कर दी हैं वेस्ट बंगाल में, ये उठाया गया है. और वहां लोकल लेवल पर वो नहीं बोले, नहीं बोले, बोले हैं कि 8 ट्रेन बंद करने की चिट्ठी दिया. नो 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 यस यस सिट डाउन सिट डाउन खत्म तो कर दो. ये एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो मेरी बनाई भी नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की कमेटी है. पार्लियामेंट की कमेटी ने इन लाइनों को और क्योंकि पार्लियामेंट की कमेटी ने एक रिपोर्ट में इन लाइनों को नॉन वायबल कहा, तो लोकल जो जनरल मैनेजर है उसने उसकी जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को देके कहा, आप इसको अगर कॉन्ट्रीब्यूट करें पैसा तो वो ट्रेन चलाने में सुविधा होगी. ये परंपरा कोई मैंने या इस सरकार ने नहीं शुरू की. जब माननीय ममता बनर्जी जी इनके पार्टी की जो मुख्यमंत्री रेल मंत्री थी, तब भी ऐसी चिट्ठियां इश्यू की गई हैं. एक प्रक्रिया है पार्लियामेंट की पीएससी की जो रिपोर्ट के ऊपर मैनेजर इश्यू करता है, और उसके ऊपर मेरे कलीग मनोज सिन्हा जी ने आश्वस्त किया है वहां कि कोई ट्रेन बंद नहीं हो रही, तो बिना बात के कोई इशू को उठाकर. ठीक है, ठीक है, धन्यवाद. हेलो बाय द चेयर ऑनरेबल मेंबर्स, ऑन 7 फरवरी श्री डेरेक ओब्रॉय मेंबर हैड रेज एन इश्यू ऑफ नॉट शोइंग ऑन राज्यसभा टीवी फर्स्ट 4 to 6 मिनट्स ऑफ हिज स्पीच इन राज्यसभा on the motion of thanks on the president address and demanded that the matter be inquired. He was supported by some other members and the leader of the opposition. The chair assured the agitating members that the matter will be inquired into. Accordingly, a preliminary inquiry was conducted and it was found that there was a break in the live transmission of the Raj Sabha TV from just hear it 1314 hours to 1318 hours 4 minutes when Sri Derek Oberoi was speaking due to power failure. After the transmission resumed, the incident was regretted by the Raj Sabha TV through a scroll. It was also flashed that the entire speech of Sri Derek Oberoi would be telecast in the evening at 2015 hours. Accordingly, entire speech of Sri Derek Oberoi was telecast on the Raj Sabha TV at 2015 hour. Honorable Chairman has, however, ordered a detailed inquiry into the matter. Next, Sri Narendra Kumar Swan. Sri Narendra Kumar. नहीं है ना? श्री सीपी नारायण, श्री सीपी नारायण, श्री वंदना चौहान, बैठिए बैठिए, सिट डाउन. सीपी नारायण कहाँ है? अभी आए. आई वॉन्ट टू स्पीक ओनली ऑन 4 पॉइंट्स. 4 मिनट्स आर देर. यस.